हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनी क्लासेस में। कक्षा 7 की इंग्लिश की वर्कशीट आज सॉल्व करेंगे हम। लेसन नंबर है 9-4 और डेट है आज की 5 अक्टूबर 2021। टॉपिक है द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम। स्टूडेंट नेम और स्कूल नेम आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन के पूरे पूरे आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इतनी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग। तो इसका उत्तर होगा डॉग का नाम क्या था, तो मूको, MUKO, मूको। अगला प्रश्न है, हु ड्रैग्ड द डॉग आउट ऑफ द डोर्स। इसका उत्तर देखेंगे, हु ड्रैग्ड द डॉग आउट ऑफ द डोर्स, द विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। द विक्ड ओल्ड मैन है एंड हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर डिड द विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लीव। तो इसका उत्तर होगा, दे लिव्ड इन द सेम विलेज, दे लिव्ड इन द सेम विलेज। अगला है 4th प्रश्न, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो पहले देखना है डैम, इसका अर्थ होगा स्त्री। ठीक है, यहाँ लिख के भी बता देती हूँ मैं आपको, इसका लिखेंगे स्त्री। एनिमल का मतलब होता है जानवर। ठीक है, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी और बोन का मतलब होता है हड्डी। गोल्ड का अर्थ होता है सोना और कपल का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ लिखने हैं। देखिए आगे मैंने लिख रखे हैं, स्त्री, जानवर, हड्डी, पृथ्वी, सोना और जोड़ा, ये इसके अर्थ हैं। 5th प्रश्न देखिए, द ओनर ऑफ द डॉग वाज अ रिच फार्मर और विग्ड ओल्ड मैन। तो इसका आंसर आपको लिखना है ए, राइस फार्मर, राइस फार्मर। तो ये 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे।